प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 363 हो गई है। इसी बीच प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 43 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जिनमें से अधिकतर को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है, लेकिन एहतियातन के तौर पर उन्हें 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। वहीं क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित बंसल का कहना है कि कोरोना से एक बार ठीक होने पर भी खतरे को टलावा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि 14 दिन में कोरोना के दोबारा असर दिखने के मामले में विदेशों में सबसे मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए होम आइसोलेट किए गए मरीजों को 14 दिन तक विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त सब सबके लिए एक मेजर कंसर्न का विषय है, इसी से संबंधित मैं कुछ जानकारी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना नेगेटिव टेस्ट के बाद में अगर होम क्वारंटाइन का एडवाइस किया गया है तो उसे कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहले होम क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि हमारे को अपने लिए एक जगह पे अपने आप को सीमित रखना, तो प्रेफरेबली कोशिश रहें कि जो आपके बाकी परिवार के सदस्य हैं उनसे आप अलग हों और अपने आप को एक अलग कमरे में अपने आप को मेंटेन करके चलें। देखिए, रामगंज में जिस तरह की हैबिटेशन है, क्योंकि भीलवाड़ा मॉडल की बार बार चर्चा हो रही है, भीलवाड़ा की बसावट और रामगंज की बसावट में फर्क है। भीलवाड़ा में जिस तरह का प्लान हम इम्प्लीमेंट कर पाए, वहां की आबादी जिस तरह की थी, अब यहाँ रामगंज में तो जिस तरह एक मकान के अंदर कई सारे परिवार रह रहे और एक छोटे से पोर्शन में भी कई फैमिली मेंबर्स रह रहे, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ मेंटेन करना मुश्किल काम हो रहा है। अब क्या है कि जनगणना आधारित ब्लॉक बना के जो रणनीति वहाँ के लिए बनाई गई है कि जो जनगणना के आधारित जो ब्लॉक्स हैं उनका जो क्लस्टर बना के और सैंपलिंग करने का काम करने का डिसीजन लिया गया। हमारे जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एसडी गुप्ता और डॉक्टर अवतार सिंह और उनकी टीमें, वो रामगंज एरिया का जो मैपिंग करके और किस तरह से हर क्लस्टर से 21 सैंपल इनिशियल स्टेज पर लेके और उनकी पीसीआर टेस्टिंग करवाएंगे, इस तरह से ये 30 क्लस्टर में डिवाइड किया है, तो ये 630 सैंपल एक बार ले रहे हैं। पहले अगर ग्रेविटी ज्यादा है, गंभीरता ज्यादा है समस्या की, तो फिर और ज्यादा सैंपल्स लिए जा सकते हैं। देखो, कोरोना वॉरियर्स तो पूरा प्रदेश ही हो रहा है, हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस जो दिन रात वहां तैनात है फील्ड के अंदर, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ है, हमारे पैरामेडिकल के स्टाफ है, वहां जो कार्यरत ड्राइवर है, पियोन है, वो सफाई कर्मचारी है जो दिन रात सैनिटाइजिंग का काम कर रहे हैं, आम ये जो पूरी फोर्सेस है वो सब कोरोना वायरस है। और सबसे बड़े कोरोना वायरस तो वो है जो पॉजिटिव केसेस को ट्रीट कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और वहां जो काम कर रहे हैं, चाहे सफाई कर्मी है, जो भी है, उन लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। कई कई केसेज में मतलब आदमी की आंखों में ऐसे आंसू आ जाए। एक हमारा जो चिकित्सा कर्मी था जिसकी मदर की डेथ हो गई, वो फ्यूनरल में नहीं जा पाया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या आपका व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से हाथ जोड़ के अपने माँ को प्रणाम किया है, उनकी पार्थिव देह को, और 15-15 दिन तक अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहे, घर वालों के पास नहीं जा पा रहे, अस्पताल में सो रहे, ऐसा समर्पण पूरा राजस्थान उनके समर्पण को सैल्यूट कर रहा है।